नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों में हलचल बढ़ गई है और कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो और बताते हैं कौन से हैं वो बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी में आज 3 नेताओं की शामिल होने की खबर आई है। तीनों नेता अलग अलग दल से हैं। ये नेता दल तृणमूल कांग्रेस और बीजू दल से हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सपा बसपा के कई नेता बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। 4 बार के तृणमूल विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की भाटापारा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। 4 बार विधायक रहे अर्जुन सिंह ने भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में काफ़ी हद तक सीटें मिलने की संभावना है। भाटापारा से तृणमूल कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह मुख्यालय में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय और वरिष्ठ नेता मुकुल राय की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि तृणमूल सरकार ने अर्जुन सिंह के भाजपा में शामिल होने को कुछ खास महत्व नहीं दिया और उन्हें अपनी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित सांसद अनुपम हजारा तथा कुछ और नेता कुछ ही दिन में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौमित्र खान भी भाजपा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी के करीबी नेता ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टॉम वडक्कन केरल के त्रिशूर जिले से आते हैं। वडक्कन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सहायक रहे हैं। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वह उनके करीबी माने जाते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद टॉम वडक्कन ने कहा, मैं 20 साल से कांग्रेस में था। कांग्रेस में वंशावाद की राजनीति हावी है। पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस के रुख से मैं काफ़ी दुखी हूँ। कांग्रेस पुलवामा हमले पर राजनीति कर रही है। मैं भारी मन से कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तानी आतंकी हमलों के हमारी ज़मीन पर हमला और आप उस पर राजनीति करते हैं। बीजेडी के पूर्व नेता दामोदर राउत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेडी के पूर्व नेता व विधायक दामोदर राउत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राउत ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के बीजेपी प्रभारी अर्जुन सिंह की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राउत ने कहा कि आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। मैंने 45 साल राजनीति में गुजारे हैं। बीजेडी बीजू बाबू की विचारधारा को भुला चुकी है। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा कि राउत ने बोला, उनके मन में उड़ीसा के लोगों के प्रति कोई प्यार नहीं है। उड़ीसा में कई साल गुजारने के बाद वह उड़िया भाषा को नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, इन बड़े नेताओं के बारे में क्या कहना है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनको बीजेपी में शामिल होना चाहिए था नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और पॉलिटिक्स से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।